हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज दाइमा एंड यू आर वॉचिंग दाइमा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंग्रेजी विषय में पूछे जाने वाले कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। इनविटेशन का रिप्लाई किस तरह से दिया जाता है ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जनरली रिप्लाई दो तरह से दिया जाता है, एक तो फॉर्मल तरीका होता है और एक इनफॉर्मल तरीका होता है। फॉर्मल तरीके से किस प्रकार हम एक्सेप्टेंस और रिफ्यूज़ल रिप्लाई देते हैं ये हम यहाँ इस वीडियो में सीखेंगे। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, यानी कि जब हम किसी का इनविटेशन स्वीकार कर लेते हैं तो हम एक्सेप्टेंस ये देते हैं लिख कर, और यदि हम मना करते हैं उसके निमंत्रण को, अस्वीकार कर देते हैं, तो फिर हम रिफ्यूज़ल। फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई में क्या अंतर होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। फॉर्मल रिप्लाई मिसेज एंड मिस्टर से शुरू होता है, यह थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, यानी कि ही शी और दे का प्रयोग इसमें होता है। इनफॉर्मल रिप्लाई जनरली फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन, यू यू योवर पर्सन में लिखा जाता है, यानी आई मी माई और वी अस अवर का प्रयोग होता है। यह लेटर की तरह लिखा जाता है, स्वयं का पता और दिनांक भी इसमें लिखी जाती है जैसे हम लेटर में लिखते हैं। फॉर्मल रिप्लाई के अंतर्गत हम सबसे पहले एक्सेप्टेंस को देखते हैं। अब क्योंकि ये मिसेज एंड मिस्टर से शुरू होता है तो हम इस फॉर्मल रिप्लाई को इस तरह से शुरू करेंगे, एक्सेप्टेंस वाली को। मिसेज एंड मिस्टर दाइमा थैंक मिसेज एंड मिस्टर मलिक फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन अमन ऑन March 14, 2020 एट देयर रेजिडेंस 8:07 PM। मिसेज एंड मिस्टर दाइमा को इन्विटेशन मिला और देने वाले हैं मिसेज एंड मिस्टर मलिक। तो इन्विटेशन पाने के बाद मिसेज एंड मिस्टर दाइमा जो है वो थैंक यानी कि धन्यवाद करते हैं मिसेज एंड मिसेज मलिक को। किस लिए उनको धन्यवाद देते हैं? फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, उनके निमंत्रण पत्र के लिए। अब वो निमंत्रण पत्र जो है वो किस से संबंधित है, क्यों दिया उन्होंने निमंत्रण पत्र? टू अटेंड द बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। और बर्थडे पार्टी किनकी थी? ऑफ देयर सन अमन, उनके बेटे अमन की। अब वो जो बर्थडे है वो कब है, इसमें हम टाइम भी लिखेंगे, ऑन March 14, 2020। तो ये तो डे एंड डेट हो गया। इसके बाद में एड्रेस जो है, क्योंकि प्लेस का जब हमें पता नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए यहाँ पर प्लेस का होना ज़रूरी है। तो प्लेस यहाँ पर है एट देयर रेजिडेंस, यानी कि उनके निवास स्थान पर। और निवास स्थान पर पहुँचना है तो कितने बजे पहुँचना है ये भी हमें दिखाना होगा। तो इसमें टाइम दिया हुआ है 8:07 PM। तो इसमें भी टाइम और प्लेस की वैल्यू है, टाइम और प्लेस आपको लिखना पड़ेगा। दे हैव अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इसका मतलब हुआ कि उनको बहुत प्रसन्नता है आप ये उनके निमंत्रण पत्र को स्वीकार करके। सेकंड इसमें रिफ्यूज़ल है, तो इसमें कुछ खास अंतर नहीं है, जैसे ये आपने अभी देखा था एक्सेप्ट वाला, इसमें वही हूबहू जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है वो कि वो हम लिख सकते हैं। सिर्फ इसमें इतना सा चेंज होगा कि मिसेज एंड मिस्टर दाइमा जो है वो अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं निमंत्रण पत्र को स्वीकार करने में। तो वो इस तरह से रिफ्यूज़ल लिखेंगे मिसेज एंड मिस्टर दाइमा कि मिसेज एंड मिस्टर दाइमा थैंक मिसेज एंड मिस्टर मलिक। वो ही बात मिसेज एंड मिस्टर दाइमा धन्यवाद देते हैं मिस्टर एंड मिसेज मलिक को फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द 100th बर्थडे पार्टी ऑफ देयर ग्रैंड मदर, उनकी जो दादी माँ हैं उनका 100वां जन्मदिन है, उस 100वें जन्मदिन को अटेंड करने के लिए ये इन्विटेशन है उनकी तरफ से। और ग्रैंड मदर का नाम यहाँ पर है श्रीमती सुमन जोशी, और उनका जन्मदिन है ऑन March 14, 2020। स्थान इसमें दिया हुआ है एट देयर रेजिडेंस, यानी कि उनके निवास स्थान पर ही, और टाइम भी इसमें है 8:07 PM यानी कि 7 बजे। अब इसमें ये माफ़ी मांग रहे हैं, खेद जता रहे हैं
कारण भी बता रहे हैं कि वो किस वजह से आपका इनविटेशन जो है वो स्वीकार नहीं कर सकते, तो अस्वीकृति इस तरह से दर्शाते हैं, बट दे रिग्रेट, परंतु उनको खेद है, फॉर बीइंग अनेबल, असमर्थ हैं वो टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, ये इनविटेशन स्वीकार करने में, ड्यू टू सर्टेन अनअवॉइडेबल रीजंस, अपरिहार्य कारणों के कारण इनविटेशन को स्वीकार करने में वो असमर्थ हैं, इसके लिए उनको खेद है। इनफॉर्मल रिप्लाई लेटर की तरह लिखा जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं एड्रेस लिखा हुआ है C145 आदर्श नगर जयपुर। इसके बाद इसमें डेट भी लगी हुई है June 19, 2020। एड्रेस जिस तरह से हम करते हैं जनरली, डियर मनीष, ये संबोधन भी इसमें लिखा हुआ है। फॉर्मल और इनफॉर्मल इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही था कि उसमें मिसेज एंड मिस्टर हम लिखते थे, लेकिन इसमें हम मिसेज एंड मिस्टर न लिख करके फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और अदर केसेस का प्रयोग हम करेंगे। मिसेज एंड मिसेज दाइमा की जगह यहाँ आप देख सकते हैं हमने आई लिखा है, थैंक के बाद मिसेज एंड मिस्टर मल्लिक था फॉर्मल रिप्लाई में, लेकिन यहाँ पर हम यू लिख रहे हैं। बस वही है कि देयर जहाँ पर हमने लिखा था उस देयर की जगह पर हम यहाँ पर योवर योवर लिख देंगे। आई दो जगह आता है, एक तो फर्स्ट में और एक नीचे दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब ये मैरिज कब है मनोज की, ऑन March 14, 2020, यहाँ पर हम टाइम लिखेंगे, उसके बाद प्लेस लिखेंगे एट योर रेजिडेंस आपके निवास स्थान पर, और उसके बाद टाइम लिखेंगे एट 7 PM, तो 7 बजे हैं। आई हैव अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपके निमंत्रण को स्वीकार करके। यहाँ पर फिर हम लिख देंगे योर्स सिंसियरली, जैसे कि लेटर में हम लिखते हैं नीचे, और नाम लिख देंगे राजदाइमा, इस तरह से ये नाम लिख दिया। सेकंड इसमें हम लेते हैं रिफ्यूज़ल को, रिफ्यूज़ल में जैसे मनाही होती है, हम इसको अस्वीकृति देते हैं उनको कि हम नहीं आ पाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे उसमें ऊपर एड्रेस लिखा था इसमें भी लिखेंगे C145 आदर्श नगर जयपुर। सिर्फ एक लाइन चेंज होने वाली है, इन शॉर्ट में बता देता हूँ, सिर्फ एक ही लाइन चेंज होने वाली है, और वो होने वाली है लास्ट में यहाँ 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 पर भी आपने देखा होगा, बट दे लिखा हुआ था, दे की जगह आई लिखेंगे और देयर की जगह पर माई लिख देंगे, तो बट आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी To accept the invitation due to certain unavoid reasons, किसी अपरिहार्य कारणों के कारण मैं आपके निमंत्रण को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता के लिए मुझे खेद है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।